इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की पुरखलुस मुबारकबाद। खैर, अब इसे किस पस मंजर में लिया जाए समझ में नहीं आ। एक तरफ मुस्लिम दुनिया उम्मत मोहम्मदिया आजमाइश के दौर से गुजर रही है, जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सराफा इंसानियत भी परेशान है, दज्जाली फितनों ने सर उठाया हुआ। अब इस ईद में खुशियां मनाए भी तो कैसे, जबकि कई घरों में मातम छाया हुआ है, कई घर के चराग बुझ चुके हैं कोरोना में, किसी भाई किसी का बेटा किसी के वालिदैन, लिहाजा हर फर्द परेशान है। कई ऐसे अफराद हैं जो आज भी अस्पताल में जेर इलाज है। पिछले साल भी यही मंजर था, पर इस साल मौतों के आंकड़ों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। बहस आज भी जारी है कि कोरोना क्या आलमी साजिश का हिस्सा है, क्या यह यहूदियों की दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश है, क्या इसराइल का फिर से फलस्तीनियों पर हमला भी इसी दज्जाली या यहूदी फितनों का ही हिस्सा है। हर तमाम सवालात के जवाब तलाशने की कोशिश मुख्तलिफ इल्मी दानिशोर कर रहे हैं। रमजान के मुबारक महीने में कईयों ने अपनों को खोया। कभी कभी ऐसा डर भी लगता है कि क्या फिर से वह पुराने दिन लौटेंगे या नहीं, क्या फिर से वह खुशियां शादमानियां मसरतें हमें मयसर होंगी या नहीं। अमीर गरीब, मजदूर ताजिर मुलाजिम सभी परेशान हैं, कहीं हम कयामत के करीब तो नहीं। सैकड़ों सवालात का जवाब यही हो सकता है कि हमने हकीकत में अल्लाह को नाराज किया हुआ है, अल्लाह हमसे नाराज हो चुका है। अब इस कोरोना ने तो गोया हमारे अकीदे ईमान पर ही हमला करने का डर लगने लगा है। आखिर क्या क्या नहीं दिखाया इस कोरोना ने, एक दूसरे से दूर किया, रिश्तेदारों अजीज व अकारिब में नामालूम दरारों को पैदा किया। दरअसल अल्लाह ने दुनिया इंसानों को एक दूसरे से मोहब्बत के लिए बनाई थी, पर आज इंसान इस मोड़ पर आ गया है कि वो अपने वालिदैन को तक कंधा भी नहीं दे सकता। शायद ही किसी ने इस तरह की मौत देखी होगी। यकीनन वबा के इस दौर में ऐसे हालात पहले देखने की बात कही जाती है, पर सवाल यह भी उठता है कि जिन वालिदैन के कदमों में जन्नत होने की बात कही जाती है, आज इनके मैयत को महज इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि इनकी मौत कोविड से हुई है। आखिर इंसान अब किस हद तक गिरता रहेगा, क्या वाकई गिरते अखलाक का यह बदतरीन नमूना नहीं है कि अपने वालिदैन अपने रिश्तेदारों से इस कदर दूर महज इसलिए हो रहा है क्योंकि यह बीमारी इसे ना लग जाए। कोरोना मर्द से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए और इनकार है भी नहीं, पर जिस हिकारत की इंतहा कोरोना की आड़ में इंसानों के साथ की जा रही है वाकई मजम्मत के काबिल है। सवाल तो बहुत है पर जहन बीमार हो चुका है, सुबह शाम महज कोरोना का मंजर दिखाया जा रहा है ताकि अक्सर लोग जहनी बीमारी में मुब्तला हो जाए। और यह हो रहा है, हम सभी जानते हैं कि जितने टेस्ट किए जाते हैं उतने ही ज्यादा पॉजिटिव पाए जाते हैं। कहने का मतलब, जब तक किसी का टेस्ट नहीं किया जाता तब तक मरीज तो घर के लोगों के दरमियान ही रहता है, लोगों में ही रहता है। पॉजिटिव होने के बाद घर के लोग इसका इलाज करते हैं। अगर मान लिया जाए कि कोरोना बहुत आसानी से फैलता है तो कोरोना पॉजिटिव होने वाले हर मरीज के तमाम घर वालों को भी कोरोना होना चाहिए, पर ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा। कहने का मतलब, जब कोई मर जाता है तो इसकी लाश को इस तरह किया जाता है जैसे अब यह मुर्दा जिस्म ही पूरे गांव में मर्ज फैलाएगा, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक जब इंसान मर जाता है इसके जिस्म से इसकी रूह परवाज कर जाती है तो किसी तरह के वायरस का असर दूसरे शख्स पर नहीं होता। ईद उल फितर के मौके पर यह कहना जरूरी समझेंगे, जिस इंतहा के डर खौफ के साए में लोगों को जीता देख रहे हैं, दरअसल यह खौफ का मर्ज ही ज्यादा फैला हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा सुकून चैन महज अल्लाह की तरफ पलटने में, अभी तो दज्जाली फितनों की शुरुआत है, क्या मालूम कि कैसे कैसे तूफानों को अभी आना है। हम सबको चाहिए कि किसी तरह का ज़हनी दबाव में जीने से बेहतर है कि तमाम मामलात को अल्लाह की तरफ रुजू करे। इंसान की अकल बहुत छोटी है और अल्लाह की कुदरत की कोई इंतहा नहीं, लिहाजा इंसान अपनी होशियारी अकलमंदी से बाज आकर खालिक कायनात की तरफ पलट जाए। जिस कदर झूठ मकारी धोखा देकर अब तक रुपये कमाए, अब तक की जिंदगियां जी लिए, अब तक आयशो इशरत की दुनिया में हमने अपनी जिंदगी को बसर किया, कोरोना वबा ने यह बता दिया कि मौत का कोई भरोसा नहीं। महज रमजान में ही हो तकरीबन 100 से भी ज्यादा अफराद अंजुमन के कब्रिस्तान में जाकर लेट गए। दूसरों की मौत दरअसल पीछे रहने वालों के लिए इबरत होती है, पर इंसान आज भी तकब्बुरी और घमंड में जी रहा है। पर पिछले 2 लॉकडाउन में दाल रोटी का भाव समझ में आ रहा है। जब इंसान के दिल से अल्लाह का डर निकल जाता है तो कोरोना में ही मलकर मौत को देखने लगता है। हासिल इत्तला के मुताबिक कई लोगों ने महज पॉजिटिव होने पर ही खुदकुशी की है। आज भी वक्त है, बीमारी शिफा जिंदगी मौत का मालिक तो महज अल्लाह है। और जो लोग आज भी खुदा बरहक पर भरोसा रखते हैं, कोरोना तो क्या इससे भी खतरनाक अमराज भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यकीन इलाज सुन्नत है, एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने होंगे, पर डर के आदि होने की जरूरत नहीं है। आज भी अक्सर लोगों की मौत
महज डरने से होने की बात कही जा रही है, जिसमें बीमार होने से पहले जहन बीमार हो जाता है। जहां जहन मजबूत बनता है जब इसका ईमान मजबूत होता है और हर मामले को अल्लाह की तरफ मोड़ने लगता है। लिहाजा ईद उल फित्र के मौके पर सभी मुसलमानों को आने वाली जिंदगी के बारे में संजीदगी से सोचने की जरूरत है। रमजान का महीना इस साल भी लॉकडाउन के नजर हुआ, और वैसे भी मुसलमानों ने रमजान का महीना ईद को तो तमाशा ही बना लिया था। आखिर अल्लाह आसमान से फरिश्ते नाजिल करे भी तो किस बुनियाद पर? सिवाय रमजान के मुबारक महीने में बाजारों को सजाने के सिवा किया ही क्या था? खैर, कभी आजमाइश की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। आज पूरी इंसानियत डरी सहमी घरों में बैठने पर मजबूर है। उम्मीद करते हैं कि जल्द इस वबा से हम सबको निजात अता फरमाए, अल्लाह फिर से वो दिल लौटाए जिसमें हम इत्मीनान की सांसें लिया करते थे। जो भी गलतियां हमने पहले की वो इन्हें अल्लाह माफ फरमाए। इतना तो जरूर है कि अल्लाह जब किसी की पकड़ करने पे आ जाए तो कोई बच नहीं सकता। महज कोरोना एक झलक है, अगर यह आलमी वबा है तो इसे कैसे बचा जाए? और अगर साजिश है तो मोमिन की फिरासत कहाँ के दुश्मनों की साजिशों से गाफिल क्यों है? खैर, कल पूरे मुल्क में ईद है, पर देश की मौजूदा हालात के मद्देनजर खुशियां तो मना नहीं सकते, ईदगाह पर जा भी नहीं सकते, नमाजें अदा नहीं कर सकते, पर हम अपने आप को बदल जरूर सकते हैं। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।